भले ही महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट के मैदान पर नजर ना आते हों, लेकिन उनके फैंस और तमाम खिलाड़ियों के बीच उनकी दीवानगी आज भी वैसी ही है। और ऐसे ही कुछ देखने को मिला विमेन प्रीमियर लीग में, जहां एक मैच के दौरान यूपी वॉरियर्स टीम की महिला खिलाड़ी किरण नवगरे जब बल्लेबाजी करने को आ रही थी, तब सभी दर्शकों की नजरें उनके बैट पर थी, क्योंकि उनके बैट पर लिखा था MSD07, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम और उनकी जर्सी का नंबर है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि किरण नवगरे को कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा था और उनके बैट पर भी कोई स्टिकर नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्कर से ही अपने आइडियल महेंद्र सिंह धोनी का नाम बैट पर लिख डाला, जिसे देख मैदान में मौजूद हर दर्शक ताली बजाने लगा। गाइस, महेंद्र सिंह धोनी की यही दीवानगी बताती है कि वो क्रिकेट का सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। वैसे गाइस, अगर आप भी MSD के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट उनके लिए जरूर दीजिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। क्या रशिया के हालात भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो सकते हैं? चलिए जानते हैं। असल में रशिया यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरा हो चुका है और रशिया ने इस युद्ध में अपना पैसा पानी की तरह बहाया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट पर भी सेंक्शन लगा दिया है। यानी कि जिस देश की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल बेचकर आता है, वो देश अब ऑयल बेच नहीं पा रहा है। मतलब साफ है कि देश में पैसा आने की बजाय उल्टा पैसा तेजी से खर्च हो रहा है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि धीरे धीरे रशिया की इकोनॉमी और उसका फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। और अब शायद वो दिन भी आने वाला है जब रशिया को चाइना और इंडिया से पैसों की मदद मांगनी पड़ सकती है, और तब इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि अगर इंडिया ने पैसा दिया तो यूरोपियन कंट्रीज यही कहेंगे कि इंडिया रशिया को युद्ध में मदद करने के लिए फंडिंग कर रहा है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया रशिया की मदद करेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है।